हाय एवरीवन दिस इज दीपिका वेलकम बैक आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट मॉडर्न अप्रोच दैट इज़ पॉलिटिकल कल्चर सो पॉलिटिकल कल्चर को हम डिटेल में समझेंगे हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ पोलिटिकल कल्चर जहाँ पर हम कल्चर और पोलिटिकल कल्चर दोनों को समझने की कोशिश करेंगे देन मेन थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे पोलिटिकल कल्चर में फॉर्म

क्रिटिसिज्म एक तरीके से ट्रीट है आपके लिए ओके okay? तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है डिस्कशन का डिटेल में डिस्कस करेंगे तो गाइज़ आपसे हमर रिक्वेस्ट है एक अगर पहली बार आप मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हिट द बेल आइकन जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके थैंक यू फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट गाइज़ सो पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो लुसियन पाई है वो क्या कह कहते हैं कि जो पॉलिटिकल कल्चर है दिस डिस्क्राइब ओवरऑल पैटर्न इन द सोसाइटीज़ जैसे कि वहाँ उस सोसाइटी का बिलीफ सिस्टम क्या है एटीट्यूड क्या है वैल्यूज़ क्या हैं व्यूज़ क्या रखते हैं फेथ क्या है कस्टम्स ट्रेडिशंस क्या हैं तो किसी भी सोसाइटी में जो पैटर्न है इन चीज़ों का वो सारी चीज़ें इंक्लूड किया जाता है सो ओवरऑल यू कैन से दैट कि पॉलिटिकल कल्चर इज़ द सम ऑफ द फंडामेंटल वैल्यूज़ सेंटीमेंट्स एंड द नॉलेज जो सब्सटेंस प्रोवाइड प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल प्रोसेस को जो सब्सटेंस प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस को कि किस तरीके की हम पॉलिसीज़ लाएंगे किस तरीके की हम स्कीम्स uh, लाएंगे राइट right? तो बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल लूँगी मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आपने सुनी होगी तो इंडिया के कंटेक्सट पे हम देखें सो इंडियन का जो इंडियन कल्चरल सिस्टम है हमारी इंडिया की सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को अगर हम देखें बिलीफ को तो जो जो जो, जो बेबी गर्ल होती है उसको हमेशा से एक बर्डन माना जाता था सोसाइटी में सो so, वुमेन की पोजीशन इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी में आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर वो डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है सो स्टेटस ऑफ द वुमेन इन इंडियन सोसाइटी जिसकी वजह से वमेन का एग्जिस्टेंस वोमेन के जो राइट्स हैं सोसाइटीज़ में वो सारे भी इन्फ्लुएंस हुआ क्यों क्योंकि वोमेन को लेकर जो इंडियन सोसाइटी में बिलीफ थे राइट जिस तरीके का स्टेटस उन्हें दिया गया था तो उसको लेकर उनकी सिचुएशन भी इम्पैक्ट हुई तो अभी प्रजेंट में हमारा पोलिटिकल सिस्टम भी इस चीज़ से इम्पैक्ट हो रहा है पोलिटिकल सिस्टम में हम डिसीज़न मेकिंग कर रहे हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स लाएंगे क्यों क्योंकि इंडियन कल्चर इंडियन सोसाइटी में हम हमारे यहाँ पर जो 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 फीमेल है उनकी पोजीशन या स्टेटस ठीक नहीं है उनके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिलती हैं राइट इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो इसे हमें करेक्ट करना है तो आपने देखा कि कैसे पोलिटिकल डिसीज़न इन्फ्लुन्स हुआ था हमारा जो आ, सोसाइटी का ओवरऑल जो वैल्यूज़ हैं सेंटीमेंट्स से, हैं नॉलेज है उसके आधार पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको ये समझाने के लिए कि कल्चर कैसे कैसे जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं सेंटिमेंट्स हैं नॉलेज हैं सोसाइटी की वो इम्पैक्ट कर रही हैं पॉलिटिकल डिसीजंस को पॉलिटिकल प्रोसेस को गेटिंग इट तो इसी तरीके से हम इसकी थ्योरीज को समझेंगे तो ये तो था आपको एक बेस बनाने के लिए समझाने के लिए तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिम्बल्स या ऑफ़ पॉलिटिकल कल्चर क्या होते हैं कैसे आप कहोगे कि हाँ ये पॉलिटिकल कल्चर है सो एटीट्यूड बिलीव या वैल्यूज ऑफ द पीपल्स रिफ्लेक्ट होते हैं थ्रू द वेरियस सिंबल्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर्स जैसे लोगों के जो इमोशंस हैं सेंटिमेंट्स हैं टूवर्ड्स द पोलिटिकल सिस्टम हमारे जो इमोशन होते हैं हमारे नेशनल फ्लैग को लेकर हमारे इमोशन होते हैं नेशनल एंथम नेशनल कैलेंडर को लेकर आपने देखा होगा एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कभी कि लोग अपनी गाड़ियों में नेशनल फ्लैग लगा कर रखते हैं राइट right, या लो आजकल तो हर घर तिरंगा जो स्कीम है उसके तहत लोगों के घरों पे भी आपको नेशनल फ्लैग देखने को मिल जाएगा तो आप देखेंगे कि हमारे एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है जो भी हमारा इंडियन फ्लैग है उसके साथ में सो तो ऐसे एक हर कंट्रीज़ के अपने जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं वहाँ के नेशनल फ्लैग को तो ये क्या है सिंपल है पोलिटिकल कल्चर का इसी तरीके से ग्रेट लीडर्स जो होते हैं तो जो उनके हम रिस्पेक्ट देते हैं या उनके आइडियल्स को फॉलो करते हैं जैसे वहाँ त्मा गांधी का नॉन वायलेंस का कंसेप्ट हो गया अहिंसा का कंसेप्ट देन सरदार पटेल आप ये सारी चीजें तो इनके सिंबल्स को हम फॉलो करते हैं इनके दिखाए गए पाथ पर चलने की कोशिश करते हैं आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में जो किंग या क्वीन को जो वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं या यूएसए के जो प्रेसिडेंट से लोगों के सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं जो रिस्पेक्ट वो देते हैं सो नेशनल प्राइड सिंबल्स या एस्पिरेशन ऑफ द पीपल्स इस पे इसमें कंसीडर किए जाते हैं तो अभी आपको आप, आप ये समझ गए कि जो पोलिटिकल कल्चर है उसको किस तरीके से आप देख सकते हैं सो विद दी हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल कल्चर को तो अभी थोड़ा सा और क्लैरिटी आई होगी आपको कि व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर तो अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन uh, क्या लिखेंगे आप और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं जहां पर हम वेरियस स्कॉलर्स की यहाँ पर डेफिनेशन को भी हम इंक्लूड करने वाले हैं ओके okay? तो कल्चर क्या हुआ एक वे ऑफ लाइफ है वे ऑफ लाइफ जो हमारा सिंपली अगर हम कल्चर को समझे कि व्हाट इज़ कल्चर तो कल्चर क्या होते? होता है एक वे ऑफ लाइफ होता है जहाँ पर हम किस तरीके के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं हम किस तरीके के फूड uh, हैबिट्स होती हैं हमारी या किस तरीके का हमारा डेली रूटीन होता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल राइट और किस तरीके के हम uh, हमारे जो रिचुअल्स होते हैं जैसे या वर्शिप करने का तरीक़ा होता है गॉड से कनेक्ट करने का तरीक़ा होता है सो so एक वे ऑफ लाइफ है कल्चर ओके सो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर इनटू पॉलिटिकल एक्शन जब यही इसी कल्चर जो ये फेथ बिलीफ नॉर्म्स ट्रेडिशन इसका ट्रांसमिशन होता है पॉलिटिकल एक्शन में जैसे हमने देखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जहाँ पर हमारे इंडियन कल्चर वे ऑफ लाइफ में जो वोमेन की कंडीशन या स्टेटस था वो उतना डिग्निफाइड नहीं रहा है कभी भी आपने देख ये सारी चीज़ें से आप अवेयर होंगे तो उनके उनको एक एक डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए उनको उनको से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एजुकेशन देने के लिए उनको सोशल सिक्योरिटी करने के लिए हमने पॉलिटिकल एक्शन क्या लिया हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लेकर आए ओके okay? तो इस तरीके से जब ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर इनटू पॉलिटिकल एक्शन होता है तो हम इसे कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम सिस्टम इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल कल्चर तो अगर आपको कहीं का पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है तो आपको वहां का पोलिटिकल कल्चर समझना पड़ेगा ओके फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि इंडिया में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है या पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जैसे एम और एम हैं वहाँ पर वुमेन का आप देखेंगे जो पार्टिसिपेशन है या एग्जिस्टेंस है बहुत ही मिनिमम है तभी बात की जा रही है कि वुमेन को uh, uh, के लिए रिज़र्वेशन लाना चाहिए हमें जो ये पार्लियामेंट्री सीट्स हैं वहाँ पर या लेजिलेटिव सीट्स पर हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर वन थर्ड रिज़र्वेशन दे दिया है वुमेन को राइट तो हम बात अभी डिमांड की जाती है एक डिबेट चलती है कि हाँ दिया जाना चाहिए इसको नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए जो जो है वहाँ पर तो यहाँ पर अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो आपको पॉलिटिकल कल्चर समझना होगा कि किस तरीके से वोमेन की कंडीशन रही है या सोसाइटी में कंडीशन क्या है वोमेन की या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है तो कल्चर को समझना होगा अगर आपको पोलिटिकल सिस्टम समझना है ये हर एक कंट्री के लिए लागू होता है गेटिंग इट सो पोलिटिकल सोशलाइजेशन इज़ द मीन्स एंड पोलिटिकल कल्चर इज़ द एंड ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम ओके अभी पोलिटिकल सिस्टम हम डिटेल में एक फिगर के थ्रू समझते हैं तो पोलिटिकल आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देखेंगे कि बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट उभर कर आते हैं जैसे पोलिटिकल सिस्टम पोलिटिकल सोशलाइजेशन पोलिटिकल कल्चर क्या होता है पावर एंड अथॉरिटी ये सारे नए कॉन्सेप्ट आते हैं तो ओवरऑल वी कैन समराइज हियर किज वॉट इज पोलिटिकल कल्चर पोलिटिकल कल्चर कंसिस्ट ऑफ एटीट्यूड बिलीफ वैल्यूज एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल टूवर्ड्स द पोलिटिकल सिस्टम तो ये डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की है आप इसे लिख सकते हैं अब हम अगर आलमंड एंड पॉवल की डेफिनेशन लें यहाँ पर तो पोलिटिकल कल्चर कंसिस्ट ऑफ एटीट्यूड वैल्यूज एंड स्किल्स विच आर करेंट इन इंटायर पॉपुलेशन ऑफ़ दैट सोसाइटी तो इस इनकी इनकी डेफिनेशन को आप मेंशन कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए यूजीसी नेट एग्जाम्स में पूछा जाता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेटमेंट दे दिए जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस किस स्कॉलर के द्वारा दिया गया है तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है तो पहली बार सिस्टमेटिक स्टडी कब किया गया था पोलिटिकल कल्चर का पहली बार सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन किया गया पोलिटिकल कल्चर का आ, किसके द्वारा जो आपका जी ऑलमंड एंड सिडनी वर्बा हैं इनके द्वारा 1963 में इनकी एक बुक पब्लिश होती है द सिविक कल्चर राइट right, क्योंकि ये नए कॉन्सेप्ट हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पॉपुलर होते हैं सो so, पहली बार फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी की गई थी पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच की आ, इनके द्वारा अपनी बुक द सिविक कल्चर में जहाँ पर इन्होंने कोशिश की ये जानने की कि जो कल्चर है लिबरल डेमोक्रेसीज में राइट right, तो वो कैसे काम करता है कैसे डेवलप हुआ कैसे कंसॉलिडेट हुआ पोलिटिकल सिस्टम में ओके okay, तो इस तरीके से इन यहाँ पर सिस्टमेटिक स्टडी शुरू होती है ओके, सो बेसिकली इन्होंने uh, कोशिश की थी टू डिस्कवर द कल्चरल सोर्स ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म पहली बार मैक्स वेबर के द्वारा तो ऐसा माना जाता है कि जो मैक्स वेबर है उन्होंने लोकेट किया द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इन प्रोटेस्टेंट वैल्यूज़ कि जो कैपिटलिज्म है सोर्स ऑफ uh, जो कल्चरल सोर्स है कैपिटलिज्म uh, का वो कहाँ पर लोकेट किया इन्होंने प्रोटेस्टेंट वैल्यूज़ में राइट right? जो स्पिरिट ऑफ़ कैपिटलिज्म है तो इस तरीके से देखो पॉलिटिकल सिस्टम को खोजने की कोशिश की गई किस रेफरेंस में किस सिस्टम में कल्चर में कि जो ये पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसके वो उसका सोर्स क्या है स्पेशली कल्चरल सोर्स क्या है तो मैक्स वेबर ने फाइंड आउट किया कि जो कैपिटलिज्म की स्पिरिट है या कैपिटलिज्म सिस्टम है जहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं इसका इस इस इसको लोकेट करें तो इसके रूट्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे प्रोटेस्टेंट वैल्यूज़ में सो so, ये कल्चरल सोर्स हो गया इसी तरीके से आलमंड एंड वर्मा ने वर्मा ने फाउंड करने की कोशिश की कि सोर्स ऑफ स्टेबल डेमोक्रेसीज क्या हैं सो इन व्हाट दे कॉल्ड ए सिविक कल्चर सो स्टेबल डेमोक्रेसी के सोर्स कहाँ पर लोकेटेड हैं सिविक कल्चर में ओवरऑल यू कैन से दैट कि ये जो स्कॉलर्स हैं चाहे मैक्स वेबर हों चाहे ऑलमंड एंड वर्बा हूँ इन्होंने जो जो पॉलिटिकल सिस्टम है एग्जिस्ट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको उसके सोर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की कहाँ पर कल्चर में कि किस तरीके से के कल्चर से ये पॉलिटिकल सिस्टम निकल कर आए हैं राइट right? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन अब हम एक पॉलिटिकल सिस्टम का थोड़ा सा कंसेप्ट देख ले रहे हैं क्योंकि वेरियस थ्योरीज अब जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ये काम आएगा तो इसमें आपको क्या समझना है कि पूरा ये एक सोसाइटी या पॉलिटिकल सिस्टम है इन्वॉमेंट है मतलब एक सोसाइटी है मान लीजिए एक समाज है आप रह रहे हैं उस समाज में गवर्नमेंट बनाई जाती है कुछ वोटर्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है और ये काम कैसे करता है ऑपरेट कैसे होता है ये आपको देखना है तो डिमांड्स एंड सपोर्ट्स को बोला जाता है इनपुट्स डिमांड्स के रूप में जैसे आ, आप आप बीइंग अ स्टूडेंट कहेंगे कि भाई हमें इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आई जाएँ जो वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज उनकी नोटिफिकेशन को टाइम से निकालिए ये आपकी डिमांड है कि जो जो भर्ती है जो जो परीक्षाएं हैं उनको समय से कराया जाए जो 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 रिक्रूटमेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब की उनको टाइम से कंप्लीट कराया जाए करते हैं ना जैसे रेलवे एग्जामिनेशन को लेकर एस एस सी को लेकर या या वेरियस टीचिंग पोस्ट को लेकर डिमांड की जाती है तो ये डिमांड्स का कंसेप्ट समझ में आया तो अब सपोर्ट आप कैसे दोगे भाई एक गवर्नमेंट ए आई उसने कहा कि हम भाई आपको ये भर्तियाँ कराएंगे एस एस सी की भर्तियाँ निकालेंगे हम रेलवे की जॉब निकालेंगे हम टीचिंग पोस्ट निकालेंगे आपको ऐसा 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 प्रॉमिस किया गया तो आप क्या करेंगे अपना वोट देकर उस गवर्नमेंट ए को सपोर्ट करेंगे तो डिमांड और सपोर्ट क्या हो गए इनपुट्स हो गए पोलिटिकल सिस्टम के तो आपने सपोर्ट कर दिया आपके डिमांड्स कंसीडर हो गई उसके बाद से डिसीजंस एंड पॉलिसीज आई फिर गवर्नमेंट बन गई भाई और उसके बाद उसने निकाला कि भाई हम जितनी भी टीचिंग पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं उनको फुलफिल किया जाए ये डिसीजन निकल कर आया पॉलिसी बनी कि हमें एक साल के अंदर अंदर सारी टीचिंग पोस्ट को हमको फुलफिल कर देना है रिक्रूटमेंट्स निकाल देने हैं तो ये डिसीज़न आ गया तो डिसीजन एंड पॉलिसीज़ को हम कहते हैं आउटपुट इस पॉलिटिकल सिस्टम का अब ये जो पॉलिसी या रिक्रूटमेंट निकाला गया सही था गलत था कि मान लीजिए दस हज़ार पोस्ट खाली हैं लेकिन पाँच हजार की पोस्ट निकली केवल तो इसका फीडबैक दिया जाएगा कि भाई पाँच हजार ही क्यों भर रहे हो बाकी के पाँच हज़ार कब भरोगे उसके आधार पर आपने फिर डिमांड रखी इस फीडबैक के आधार पर और वो फीडबैक आपका फर्दर डिमांड बन जाता है सपोर्ट बन जाता है तो इनपुट आउटपुट फीडबैक ये समझ में आया आपको कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट करता है तो अगर ये बेसिक इस सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर कैसे ऑपरेट होता है पॉलिटिकल कल्चर में चीजें कैसे होती हैं जो वेरियस थ्योरीज हैं सो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर डिस्कस करते हैं ऑलमंड एंड वर्बा ने थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर बताए हैं पहला आपका इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ पैरोल पोलिटिकल कल्चर पैरोल पोलिटिकल कल्चर की विशेषता क्या है फीचर्स क्या है कि यहाँ पर जो जो सिटीज़न्स होते हैं जो मासेज हैं ना, जो आम जनता है पीपल्स हम और आप जैसे लोग इनको इनपुट और आउटपुट का कोई नॉलेज नहीं होता है दे right. राइट जो हम और आप जैसे लोग हैं हम अपने इनसे अवेयर नहीं है कि हम किस तरीके की डिमांड रखें गवर्नमेंट के सामने किस तरीके से हम उन्हें अपने वोट का इस्तेमाल करें सपोर्ट देने के लिए और किस तरीके से जो आउटपुट्स निकलते हैं डिसीजंस एंड प्रोसेस निकल रहे हैं उनके बारे में अवेयर नहीं होते इस तरीके के कल्चर में पॉलिटिकल कल्चर में जिन्हें हम पैरोल पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं तो ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है इसकी जानकारी लोगों को नहीं है ऐसे कल्चर को हम पैरोकी पैरोल कल्चर कहते हैं तो एक आज जैसे छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं जैसे मान लीजिए कोई ट्राइबल कंट्री है छोटे छोटे आइसलैंड है वहाँ पे ट्राइब्स रहती है भाई उन्हें पता ही नहीं है कि फ़ंडामेंटल राइट्स क्या होता है उन्हें पता ही नहीं कि हमारे पॉलिटिकल एंड एंड द राइट्स क्या हैं हमारे, है? हमारे एक तरीके से सिविल राइट्स क्या हैं हमारे इकोनॉमिक राइट्स क्या हैं उन्हें पता ही नहीं है इस चीज़ को अवेयर ही नहीं है लिटरेसी नहीं है राइट पोलिटिकल कॉन्सियसनेस नहीं है उनके अंदर तो इस तरीके से जनरली ये कल्चर पाया जाता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में या ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम में जो अपना सोशल सिस्टम अपने तरीके से चलाते आ रहे हैं कि वो गांव का एक मुखिया है जो हेड है वही सारे डिसीजंस ले रहा है बाकी जनता जो मुखिया ने कह दिया हाँ जी मुखिया ऐसा टाइप का चल रहा है सो लैक ऑफ कॉन्सियसनेस या इंटरेस्ट लोगों के अंदर इंटरेस्ट भी नहीं है चेंज करने का या जानने का और इस तरीके की यहाँ पर जो इस तरीके की जो फीचर्स हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे पैरोल पॉलिटिकल कल्चर में सो so, बहुत सारे आपको एशिया या अफ़्रीकन कंट्रीज़ मिल जाएंगी जहाँ पर ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि उनको बेसिक नीड्स ही नहीं पूरे हो रहे उन्हें तो चाहिए कि दो वक्त की रोटी पर ही उनका फुल कॉन्सनट्रेशन है तो पैरोल पोलिटिकल कल्चर आपको समझ में आया सेकेंड कैटेगरी ऑलमंड एंड वर्मा ने बताई दैट इज़ द सब्जेक्ट पोलिटिकल कल्चर सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर क्या है ये वो पॉलिटिकल कल्चर है जहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा अपग्रेडेशन हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अब आ जाता है एक तरीके से ये एक लेवल ऊपर बढ़ जाता है पैरोकियल के तो यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट एक लेवल ऊपर उठ गए लोगों को यहाँ पर किसके बारे में आउटपुट के बारे में नॉलेज हो जाता है कि अच्छा ये डिसीज़न आया गया इसको इम्प्लीमेंट करना है ये पॉलिसी बनाई गई इस तरीके से सो तो यहाँ पर लोगों को थोड़ा बहुत इंथ्यूज़ियाज़म होता है पोलिटिकल कल्चर के बारे बारे में लेकिन इनको इनपुट के बारे को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। जो इनपुट होते हैं राइट जहाँ पर डिमांड्स एंड सपोर्ट्स की कि हमें भाई अपने वोट का इस्तेमाल बहुत ही जुडिशियल वे पे करना है बहुत ही सोच समझ कर करना है राइट तो यहाँ पर क्या है आउटपुट के बारे में तो डिसीजन इनको मिल रहा है जैसे मान लीजिए ये पॉलिटिकल सिस्टम था हमने ऊपर देखा था ये इनपुट था ये आउटपुट था तो इनको आउटपुट से तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बट इनपुट के बारे में बहुत ज़्यादा ये अवेयर नहीं होते बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते इसीलिए इन्हें कहते हैं इनएक्टिव पोलिटिकल कल्चर कि भाई हम डिमांड दें अपनी जो हमारे इंटरेस्ट हैं उसको हम जो हमारी एस्पिरेशन है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएं हमारा जो वोट बैंक है जो जो सपोर्ट के रूप में हम कर सकते हैं वो उसका हम जुडिशल इस्तेमाल करें तो कहा जाता है कि इस तरीके के सिस्टम में लोगों का बहुत कम रोल होता है डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने में क्यों क्योंकि ये इनपुट पर इनको ध्यान ही नहीं दे रहे अवेयर ही नहीं है ना राइट ये डिमांड एंड सपोर्ट के कंसेप्ट को से अवेयर नहीं है समझ नहीं रहे या उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे या उसके लिए एक्टिव नहीं है तो भाई जब आप यहाँ पर एक्टिव नहीं हैं तो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस जो आउटपुट है उसे आप कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो इस जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है यहाँ पर जो आम जनता है वो चुपचाप बहुत ही शांति के साथ में आउटपुट जो डिसीजंस एंड पॉलिसीज़ हैं उसको हाजी हजूर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं गेटिंग इट तो आपको ये समझ में आया कि हाँ थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन हुआ है यहाँ पर लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि जो जो पीपल्स हैं वो एक्टिव एक सिटीजन्स बन सके यहाँ पर कि नहीं नहीं आप ऐसे कैसे कर रहे हैं आपको ये मुद्दे को उठाना पड़ेगा नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे तो यहाँ पर लोग कैपेबल नहीं हैं डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए तो इस तरीके के पोलिटिकल सिस्टम भी आपको एशियन या फ्यू कंट्रीज ऑफ अफ्रीका में देखने को मिल जाएंगे अब एक फर्दर आता है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर पार्टिसिपेंट जैसे कि नाम से ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो लोग होंगे वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं पॉलिटिकल अफेयर में तो जो लोग हैं उनका एक्टिव रोल होता है पॉलिटिकल अफेयर्स में जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने आप को एक एक्टिव मेंबर समझते हैं पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का जैसे कि इस तरीके के सिस्टम आपको यू फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर क्या होगा ये इनपुट सिस्टम हो गया ये आउटपुट सिस्टम हो गया यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों से अवेयर होते हैं प्रॉपरली उन्हें पता है कि हमें अपना सपोर्ट किस पार्टी को देना है किस लीडर को देना है उन्हें पता है कि हमें अपनी जो डिमांड है वो किस तरीके से इन पॉलिटिकल पार्टीज़ तक पहुंचाना है हमें किस तरीके से अपनी डिमांड को गवर्नमेंट तक पहुंचाना है और किस तरीके से हमें डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना है चाहे वो प्रेशर ग्रुप बनाकर हो चाहे वो इंटरेस्ट ग्रुप बनाकर हो चाहे वो लॉबिंग करके हो ओके okay, तो यहाँ पर क्या होता है दे आर फुल्ली अवेयर एंड हैव दी नॉलेज ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड डिमांड एंड सपोर्ट और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल अफेयर में और इस तरीके के मॉडल आपको यूएसए फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज में पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिल जाएगा तो अब ये मैं मानकर चल रही हूँ कि जो तीनों पॉलिटिकल कल्चर हैं आपका पैरोकियल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट इसमें क्लैरिटी आपको आ गई होगी प्रॉपरली और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस तरीके के फ्लो चार्ट बनाकर आप इसे ये जो फिगर मैंने बनाया है इस फिगर को बनाकर इसे आप जरूर आ, अपने ड्रॉ करना अपने आंसर में और फर्दर बात की जाती है कि एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर भी होता है जहाँ पर तीनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक प्रजेंट होते हैं कुछ पॉलिटिकल कल्चर ऐसे भी हैं जहाँ पर कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल पैरोल का काम करते हैं जो अनए जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया का एग्जांपल ले लें ठीक है तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो बहुत ही रिमोट एरियाज में रह रही हैं उन्हें नहीं पता है कि ये इनपुट आउटपुट डिमांड सपोर्ट्स पॉलिसीज प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग क्या है तो एक तरीके से ये एकदम ऐसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के तरीके रह रही हैं बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं सो so, ये सेक्शन ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको को पॉलिटिकल कल्चर को दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर हो गया है यहाँ पर राइट right? जैसे वो अवेयर तो हैं कि हाँ हमारे ये राइट्स हैं ये आ, ये है या डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस ऐसा गवर्नमेंट ऐसे ले रही है बट वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं राइट right? उनके पास इतना टाइम नहीं है या वो इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ में कि वो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट कर पाए एक सेक्शन ऐसा भी है इंडिया में एक सेक्शन ऐसा भी है जो बहुत ही हाईली एक्टिव है इसे कहेंगे जो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर था वो हाईली एक्टिव है डिमांड एंड सपोर्ट में वो हाईली एक्टिव है कि किस तरीके से गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम इन्फ्लुएंस करें जैसे मान लीजिए बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं अगर जीएसटी को लेकर कोई बिल बन रहा है तो वो अपना इंटरेस्ट ग्रुप बनाएंगे और गवर्नमेंट के लिए उस पॉलिसी के लिए लॉबिंग करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ जिससे कि उनके फेवर में जी रूल बनाया जाए जो उस बिजनेस कम्युनिटी को उन्हें फ़ायदा पहुँचाए तो एक ग्रुप ऐसा भी है जो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो तीनों सेक्शन ऑफ द पीपल्स तीनों जो फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन प्रेजेंट है इंडिया में तो इस तरीके के कल्चर को बोला जाता है सिविक कल्चर कल्चर राइट तो ऐसा पॉलिटिकल पे तीनों टाइप्स ऑफ मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है पैरोकियल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर उसे हम सिविक कल्चर कहते हैं और इसी मॉडल के आधार पर फर्दर फाइनर्स के द्वारा कैटेगराइजेशन किया गया है लो मैच्योर्ड एंड हाई पॉलिटिकल कल्चर ये जो ऊपर अभी हमने कंसेप्ट समझा पैरोल सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर को इसी को उन्होंने अलग नाम दिया है फाइनर्स ने जो लो मैच्योर्ड एंड हाई लो पॉलिटिकल कल्चर पैरोल के इक्वैलेंट है जैसे कि वहाँ पर इनपुट आउटपुट से कोई लेना देना नहीं कंप्लीट ट्रेडिशनल सोसाइटी मेच्योर्ड वो होती है जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर जहाँ पर हाँ थोड़ा बहुत लोगों को अवेयर हैं आउटपुट के बारे में बट इनपुट के बारे में अभी भी नहीं है हाई पॉलिटिकल कल्चर जहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन है जस्ट लाइक पार्टिसिपेंट पोलिटिकल कल्चर तो ये एक सेकेंड कैटेगराइजेशन है पहला और दूसरा ये दो कैटेगराइजेशन हमने डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के देखे हैं ये फाइनर्स का हमने देखा लो मेचर्ड एंड हाई और यहाँ पर हमने ऑलमंड एंड वर्बा का देखा पैरोल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट कल्चर तो ये दो थ्योरीज आपको दो क्लासिफिकेशन क्लियर हुए आपको यहाँ पर तो अब फर्दर हम कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर लेंगे दीज आर फॉर वैल्यू एडिशन ओके आपको अगर टॉपर्स रैंक में आना है तो सो डेनियल जे एलजार ने थ्री डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर की बात की है वो कहते हैं कि जो पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट है पब्लिक स्पेयर में इंडिविजुअलिस्टिक मोरलिस्टिक एंड ट्रेडिशनलिस्ट वे पे होता है इट कैन बी अंडरस्टूड एट दी ग्लोबल लेवल सो जो पॉलिटिकल कल्चर है आप इसको सिर्फ नेशनल या लोकल लेवल के फिनमिना मत समझिए ये ग्लोबल लेवल फिनमिना है और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको ऑफर किया जाता है सैमुअल पी हंटिंगटन की थ्योरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में जहाँ पर सैमुअल पी हंटिंगटन ने ग्लोबल लेवल पर कुछ सात या आठ मेज़र कल्चर को डिवाइड किया था जैसे वेस्टर्न कल्चर यूरोपियन कल्चर जैपनीज कल्चर इस्लामिक कल्चर हिंदू कल्चर राइट लैटिन अमेरिकन कल्चर चाइनीज कल्चर तो कुछ इन्होंने सेवन या एट uh, मेज़र कल्चर की बात करी है और सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि जो नेक्स्ट वॉर होगा ना वो किस आधार पर होगा कल्चर के आधार पर होगा ओके okay, और इस तरीके से उन्होंने सजेस्ट किया कि जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है दैट इसने क्या किया है फ्रिक्शन एंड कन्फ्लिक्ट प्रोवाइड किया है पॉलिटिकल कल्चर में या कल्चर अमंग कल्चर और यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिलता है मैकवर्ड थेसिस का मैकवर्ड थीसिस बारबर के द्वारा दी गई थी जिसमें इन्होंने बात की थी कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड बन गया है और अमेरिकन नॉम्स या अमेरिकन कल्चर के आधार पर पूरी दुनिया चलेगी या कन्वर्ज हो जाएगी तो ग्लोबल वर्ल्ड बन जाएगा जिसके जो नॉम्स या कल्चर्स किस पर बेस्ड होंगे अमेरिकन कल्चर एंड नॉर्म्स पर बेस्ड होंगे ग्लोबलाइजेशन के बाद सो पी हंटिंगटन ने यहाँ कहा कि यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल रहा है इस थेसिस का यहाँ पे तो कन्वर्जेंस तो हो ही नहीं रहा उल्टा फ्रैक्शन देखने को मिल रहा है कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशनस ओके तो ये आप चीज़ एक्स्ट्रा मैंशन कर सकते हैं तो आई होप कि आपको पोलिटिकल कल्चर यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आया है अब हम क्रिटिकल इवेलुएशन करेंगे इस अप्रोच का तो बहुत सारे स्कॉलर्स और एक्सपर्ट हैं जो कहते हैं कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं शॉर्ट हैं जैसे कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि आप फुल पिक्चर ऑफ़ पॉलिटिकल कल्चर को ड्रॉ कर पाएं ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन एंड एटीट्यूड क्योंकि कई बार लोग प्रॉपर क्लियर ही नहीं होते हैं कि उनके बिलीफ क्या हैं उनके 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 राइट्स क्या हैं वो अपने अपने आप को एज अ होल रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात देख ले तो लैंग्वेज के आधार पर कम्युनिटी रिलीजन uh, के आधार पर एथेनिसिटी के आधार पर बहुत सारा डिवीजन देखने को आपको मिल जाएगा सो एज अ होल इंडियंस के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे ओके okay, फिर इसके बाद से एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द पॉलिटिकल बिलीफ एंड एटीट्यूड इन अ कंट्री ऑफ पॉलिटिकल रिसर्चर्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेशन सो जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया हो कि पॉलिटिकल बिलीफ एंड एटीट्यूड एक पॉलिटिकल कल्चर में ऐसे परफॉर्म करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना हो या आप इस तरीके से इन इन पॉलिटिकल कल्चर में जो है वो हार्डली बेटर देन अ न्यू नेबल्स और ओल्ड आइडियाज़ ओके जो जो नए आइडियाज़ हैं या ओल्ड आइडियाज़ हैं आप इसमें कैसे डिफ्रेंसीेशन कर सकते हो कि ये मॉडर्न अप्रोच है और मॉडर्न अप्रोच में आप इस ट्रेडिशनल या कल्चर को कैसे एकोमोडेट करोगे बेसिकली एक तरफ हम मॉडर्न अप्रोच के रहो और दूसरी तरफ आप ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसके आधार वहाँ पर जाकर सोर्स खोज रहे हैं आप ओके okay, इस तरीके से फर्दर आप कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये सफिसियट नहीं है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली इनएडिकुट है ये कंप्लीट पिक्चर नहीं देता है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की इसके बाद से लोग कहते हैं कि ये ये कंप्लीट वर्क नहीं करेगा यह बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है टू टेस्ट द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल कल्चर क्यों क्योंकि लोग जब क्लियर नहीं है देर इज़ अ ट्रांजिशन इन देयर थाट्स या या आइडियाज़ आप एक ही एक ही जैसे आप सिंपल से एग्ज़ाम्पल ले लें आप एक ही फैमिली में कई सारे मेंबर हैं जैसे कई जनरेशन हैं आपके पेरेंट्स की जनरेशन हो गई एक आपकी ग्रैंड पेरेंट की जनरेशन हो गई एक आप लोग हो गए जैसे मान लीजिए आपके सिबलिंग्स हो गए दो तीन और इसके बाद फर्दर फ्यूचर जनरेशन तो आप देखोगे कि एक ही फैमिली के लोगों में के व्यूज़ में कितने अंतर होंगे जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे दादा दादी नाना नानी वो कुछ अलग ढंग से सोचते होंगे सरकार के बारे में या पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में या या कल्चर के बारे में पॉलिटिकल कल्चर कि भाई नहीं हो सकता है कि वो अपने रिलीजन के व्यूज़ के आधार पर उस लेंस के आधार पर उसे देख रहे हो या कास्ट के लेंस के आधार पर देख रहे हों या आपके पेरेंट्स होंगे वो थोड़े और लिबरल हो जाएंगे आप होंगे आप बिल्कुल ही लिबरल होंगे आप कहेंगे मैं नहीं मानता कास्ट को मैं नहीं मानता रिलीजन को इन सब चीज़ों को हम तो उसे ही वोट देंगे जो परफॉर्मेंस करेगी या जो हमारे बेनिफिट के लिए काम करेगी तो मेरा मतलब ये है कहने का कि आप ये 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 डिफ्रेंसीेशन एक ही फैमिली के अंदर देख सकते हो तो यहाँ पर डिफरेंट ये प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप इसे वेरीफाई कैसे करेंगे मेज़र कैसे करेंगे क्लैरिटी कैसे आएगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिलती हैं कंक्लूजन करें आज के डिस्कशन का तो पॉलिटिकल कल्चर एज अ अप्रोच ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स डेवलप हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और द सिविक कल्चर में इसका सिस्टमेटिक स्टडी किया गया था बहुत सारी कमियां हैं शॉर्ट कमिंग्स हैं बट स्टिल वी कैन नॉट डिनाई द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर जो जो कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में एज अ अप्रोच दिया गया ओके okay, तो ये चीज़ से आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं तो ये था आज का डिस्कशन जहाँ पर हमने पॉलिटिकल कल्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा वेरियस थ्योरीज देखी और हमने क्रिटिसिज्म देखा और हमने कंक्लूज़न देखा तो ये हमारा जो अप्रोच था आज के डिस्कशन का उसे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया सो so, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम हम कैसे आपको कांटेक्ट करें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझे डी कर सकते हो और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वहाँ पर आप मुझे डाल सकते हैं और आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे डी कर सकते हो मैं कोशिश करूँगी उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का सो थैंक यू फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड एंड या लाइक द वीडियो सी इन द नेक्स्ट वीडियो ब बाई टेक केयर कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग